मनुष्य प्राणी पूरा बिलीफ सिस्टम से चलते हैं, मतलब हमारा बिहेवियर जो है वो पूरा बिलीफ सिस्टम से होता है। जिसके ऊपर हम बिलीव करते हैं बस उस मुताबिक हम बर्ताव करेंगे। और जो आपका पक्का बिलीफ है कि नहीं नहीं ऐसे ही बिलीफ है, मतलब विश्वास कि नहीं ऐसे ही है, तो वो वैसे ही करेगा, वो हिलेगा नहीं। मतलब किसी का विश्वास है कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो काम नहीं होगा, ऐसा बिलीफ है तो बस वो तो काम करेगा ही नहीं, और समझो गलती से काम कर लिया तो उसका काम होगा ही नहीं, और उसको सबूत मिल जाएगा कि देखो ये काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो काम हुआ नहीं। अमास जब रहती है, नो मुंडे अमावस्या, मराठी में अमावस्या बोलते हैं उसको, तो उस दिन वो दिन खराब होता है, और उस दिन काफ़ी सारे मृत आत्माएं घूमती रहती है, वो शरीर में प्रवेश करती है, उस दिन अच्छा काम नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी बिलीफ है नो मुंडे अमास बोलते हैं उसको, तो वो बिलीफ है और वो लोग काम करते हैं तो गड़बड़ करेंगे और उनका काम फेल हो जाएगा जो बिलीफ करते हैं। तो ये बिलीफ कहाँ से बनता है? हमारा बिलीफ बनता है हमारा बचपन से, परवरिश से, हमारे माँ बाप हमारे दिमाग में डालते रहते बिलीफ कि भाई बड़ों का मानना ही चाहिए, अब बड़ों का मानना ही चाहिए, ये बिलीफ डाल दिया बड़ों का मानना ही चाहिए। अब ये बिलीफ से कितने अत्याचार चाइल्ड अब्यूज होते होंगे पता नहीं, कि मेरे पास में काफ़ी सारे पेशेंट्स जो आते बोलते कि मैं जब बच्चा था तो बड़े लोगों ने, मतलब उसका कज़िन अंकल है या फिर कज़िन मामा है, ऐसे कोई तो भी दूर के लोग आ गए, उन्होंने उसको सेक्सुअली लैंगिक अत्याचार किया, और बड़ों का तो कुछ बोलना ही नहीं है, चुप बैठना है डर के मारे, और उन्हें सहन कर लिया, और अभी उनको प्रॉब्लम हो रहा बड़ा होने के बाद में। ये सिर्फ जो है वो बिलीफ सिस्टम के बारे में है कि भाई, मतलब आपको पता है कि मैंने काफ़ी सारे बात बताया कि एक सर्कस है और सर्कस के बाहर काफ़ी सारे हाथी बंधे रहते हैं, बड़ा गजराज है, बहुत बड़ा हाथी है, और वो छोटी संकली से छोटी संकल रहती है, उससे वो एक छोटे हुक को उसका पैर बांधा रहता है। अब मन में चाहे तो वो उसको झटका मार के कभी भी फ्री हो सकता है और वो बाहर निकल सकता है, मगर उसके दिमाग में वो आता भी नहीं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि उसका बिलीफ है कि मुझे यहाँ से छुटकारा नहीं है, मैं यहाँ से छूट नहीं सकता हूँ। ये कैसा बिलीफ बन गया? क्योंकि वो जब बच्चा हाथी था, वो जब बच्चा छोटा हाथी था, वो लिटिल एलिफेंट जब था, तो उसको वही संगली से वही हुक को उसको बांधा गया था। उसने उस समय बहुत कोशिश किया, बहुत लाते मारी, बहुत जख्म हो गई पैरों को, और तभी भी उसकी छुटकारा, मतलब वहाँ से छुटकारा हुआ नहीं। तो उसके दिमाग में धीरे 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 दिन ब दिन बैठते गया कि भाई मुझे यहाँ से छुटकारा मिलने वाला नहीं है, मैं यहाँ से छूट नहीं सकता हूँ। और फिर जैसा बड़ा हो गया वैसा उसने उसको झटके मारना भी छोड़ दिया और उससे छुटकारा पाना भी छोड़ दिया। उसका पक्का बिलीफ हो गया कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। मगर आपका बिलीफ है तो कुछ भी कर सकते हैं आप। सुधा चंद्रन, नृत्यांगना, कत्थक डांस करने वाली, बहुत फेमस मशहूर, और कुछ एक्सीडेंट में उसका पैर कट गया। उसका एक ये था, ड्रीम था कि भाई मैं मानस कैलाश मानसरोवर जाके वहाँ भगवान शंकर के सामने कत्थक डांस पेश करूँ। उसका पैर कट गया, मगर उसने आर्टिफिशियल लिम, नकली पैर लगाया। नकली पैर लगाने के बाद में जब आप डांस करते हो तो कितनी तकलीफ होती होंगी वो उसको ही मालूम। मगर उसका एक बिलीफ था, उसका एक विश्वास था कि नहीं मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी। तो उसने फिर प्रैक्टिस किया और 8 साल लगातार प्रैक्टिस करने के बाद में वो कैलाश मानसरोवर जाके उसने वहाँ अपना नृत्य सादर किया। तो बिलीफ सिस्टम है कि भाई जो जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, जो आपका पक्का विश्वास हो जाता है तो वो हो ही जाता है। नेपोलियन हिल, इनका एक सेंटेंस बहुत ही फेमस है, वो है कि वट एवर अ मैन कंसीव्स एंड बिलीव्स ही कैन अचीव। कोई भी मैन, कोई भी आदमी जब एक सोचता है और उसके ऊपर विश्वास करता है तो वो पा सकता है। कोई कल्पना करता है और उसके ऊपर बिलीव करता है तो उसकी रचना कर सकता है, तो ये पॉसिबल है। तो फिर थिंकिंग हमारा जो है वो थिंकिंग और उसके ऊपर विश्वास, ये यदि बड़ा फैक्टर है तो हम वो तैयार भी कर सकते हैं। अब देखो ना कि मनुष्य प्राणी जो है वो सबसे वीक प्राणी है, वैसे देखा जाए तो चीता जो है उसकी स्पीड से आदमी भाग नहीं सकता, या शेर जो है उसकी ताकत से शिकार नहीं कर सकता, या हाथी की ताकत उसके पास में नहीं है, या एक पंछी आसमान में उड़ सकता है तो आदमी उड़ भी नहीं सकता, मगर आदमी ने अपने दिमाग के बलबूते के ऊपर, थिंकिंग के ऊपर यह सब हासिल कर लिया। उसने रिवॉल्वर निकाला ताकि वो किसी को मार सके, हाथी हो या कोई भी हो, हवाई जहाज निकाला ताकि वो हवा में उड़ सके। जो जो प्राणी जो भी कुछ कर सकते हैं हमारे आसपास के, वो सब आदमी कर सकता है सिर्फ दिमाग के भरोसे के ऊपर, विश्वास, विचारों के भरोसे के ऊपर। तो ये विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। और विश्वास कैसे तैयार कर सकते हैं हम? हमारा विश्वास जो है वो रिपीटेशन से होता है। यदि बार बार कोई व्यक्ति को आप निगेटिव 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 बोलते गए तो वैसे उसका विश्वास हो जाता है और वो वैसे ही बर्ताव करना चालू करता है।
और फिर उल्टा हमने किसी को पॉजिटिव पॉजिटिव बार 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 पॉजिटिव अफर्मेशंस किए तो वो उसका विश्वास जो है वो पॉजिटिव बन जाता है और वो पॉजिटिव बर्ताव बताना शुरू कर देता है। और वैसे रिपीटेशन का है, समझे, एक आधा व्यक्ति है कि उसका विश्वास नहीं है, बिलीफ नहीं है कि भाई मैं कार चला सकता हूँ, वो कार भी सीखा भी नहीं है, मगर यदि वो कार सीखता है और कार सीखने के बाद में कार चलाता है, उसकी प्रैक्टिस करता है और अच्छी प्रैक्टिस करता है, बार 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 रिपीट करता है, रिपीटेशन, तो उसका बिलीफ बन जाएगा कि मैं अच्छी कार चला सकता हूँ और वो कार चलाएगा। तो कोई भी मास्टरी आपको हासिल करनी है तो आपका विश्वास होना जरूरी है, और विश्वास तब आएगा जब आप वो एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, रिपीटेशन बार 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 करेंगे। शोएब अख्तर के बॉलिंग को जो 150 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आ रही है उसको फेस करने के लिए मुझे बोला था मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, मगर विराट कोहली आसानी से फेस कर सकता है क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस किया हुआ है। तो ये सब प्रैक्टिस का खेल है, रिपीटेशन का खेल है, अनुभव का तजुर्बे का खेल है। वह आप करेंगे तो आपका विश्वास हो जाएगा। नया 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 क्रिएटिव करो, नया सोचो, हर बार नया सोचो, क्या मैं नया कर सकता हूँ जो पहले किसी ने किया नहीं है, उसके ऊपर विश्वास कि नहीं मैं कर सकता हूँ, और फिर बाद में वो करना। थॉमस अल्वा एडिसन का विश्वास था कि मैं इलेक्ट्रिक बल्ब का वो जो खोज है वो खोज करूँगा, और उसका विश्वास था 9999 बार फेल होने के बावजूद भी वो करते गया और 10,000वां एक्सपेरिमेंट जो है उसमें सफल हो गया। तो उसका विश्वास था कि मैं कुछ तो भी कर सकता हूँ, ऐसा थिंकिंग और विश्वास, इसके बलबूते के ऊपर आप सफलता की कोई भी ऊंचाई पार कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।